राष्ट्रीय राजधानी की एक सत्र अदालत ने शनिवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया है कि वह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि की आपराधिक शिकायत के सिलसिले में अंतिम आदेश पारित करने से परहेज करे। सत्र अदालत ने निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाए। गहलोत की ओर से दायर एक पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने निचली अदालत को इस मामले में दलीलें सुनना जारी रखने की अनुमति दी है कि क्या एक मुख्यमंत्री के खिलाफ नोटिस दायर किया जाए। नागपाल ने कहा कि न्याय के हित में यह निर्देश दिया गया है। धारा 500 के तहत अपराध को लेकर याचिकाकर्ता को नोटिस देने की आवश्यकता पर दलीलें सुनना जारी रख सकती है, लेकिन वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में सुनवाई की अगली तारीख तक इस संबंध में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। उन्होंने पहले शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता गहलोत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की अनुमति दी थी। एक मजिस्ट्रेट अदालत गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता शेखावत की शिकायत पर सुनवाई कर रही है। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री शेखावत को राज्य के कथित संजीवनी घोटाले से संबंध का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ उन्होंने मानहानि का यानी कि शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को कथित तौर पर लगभग 900 करोड़ रुपए का चूना लगाने से संबंधित है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने और राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की तमाम कोशिश में जुटे हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे बयान दिए। शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया और सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलाई हैं और ये सारे खबरें पोस्ट करवाई हैं और उन्हें सार्वजनिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि दिल्ली सेशन कोर्ट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में जो आदेश देने से रोका है, उस पर जो रोकने की कोशिश की है, इसमें शेखावत क्या कुछ कहते नजर आते हैं, उनका क्या बयान आने वाला है अशोक गहलोत के इस कदम के बाद, दिल्ली सेशन कोर्ट के इस कदम के बाद शेखावत इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया क्या जाहिर करते हैं और साथ ही साथ बीजेपी की ओर से क्या कुछ बयान सामने आता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। Oh, oh, oh.